बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी ढाकर पर्सनालिटी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपने बयानों को लेकर एक्ट्रेस हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। कंगना हाल ही में दर्शन के लिए द्वारिकाधीश मंदिर गई थी। एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीति में आने का कुछ ऐसा हिंट दे दिया जिसकी अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बड़े से बड़ा उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल। इसमें हर राजनीतिक दल की पहली पसंद बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के साथ नामी गिरामी सिंगर भी हैं। इसी बीच द्वारिकाधीश मंदिर पहुंची कंगना रनौत ने भी पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अपनी धाकड़ पर्सनालिटी के लिए फेमस है। अपने बयानों को लेकर एक्ट्रेस हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। कंगना हाल ही में द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन को गई थी। एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीति में आने का हिंट दिया। कंगना ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि कंगना इस समय गुजरात में द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंची। मंदिर में दर्शन के बाद कंगना ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रही तो मैं लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी। बता दें कि कंगना रनौत ने गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर मत्था टेका। साथ ही एक्ट्रेस ने नागेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद मांगा। आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल, जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे और जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करते हुए कई तस्वीरें शेयर की। साड़ी में सजी धजी कंगना काफी खूबसूरत लग रही थी। कंगना ने कैप्शन में लिखा कि कुछ दिनों से मेरा हृदय व्याकुल था, मन चाह रहा था कि द्वारकाधीश के दर्शन करूं। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि श्री कृष्ण की इस दिव्य नगरी में आते ही यहां की धूल मात्र के दर्शन से ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं टूटकर मेरे कदमों में गिर गई हों। मेरा मन स्थिर हो गया और अनंत आनंद की अनुभूति महसूस हो रही है। हे द्वारकाधीश, इस तरह अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कंगना रनौत ने साझा की। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया द्वारा पहले भी कंगना रनौत से कई सवाल किए गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब कंगना रनौत अपनी बात के ठीक उलट नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।